हॉस्टल में अगर बाई चांस रूम नहीं होता तो संतोष फनी लग रही हो। ये तो मजा ही है, बंजी बंजी करा रहे हैं ब्रो। ब्यूटीफुल ही है, उतना ही ट्रेजिक इसकी स्टोरी है भाई। या फक मैन, मतलब इतना इतना हॉरिफिक हॉरेंडस इंसिडेंट होने के बाद मत जान से मार सकता, सबको मार सकता है तो मैं अपने बच्चे के लिए तो पता नहीं क्या ही कर दूंगा। भाई नेक्स्ट डे में आपका सबका स्वागत है। चिरापुंजी की तरफ जा रहे हैं और गर्मी सी हो पड़ी है यार थोड़ी सी ना, तो थोड़ी टी शर्ट वी शर्ट में चलते हैं। जैकेट उतार दी, अब गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा, अब ठीक है। तो चलो आपको जॉस्टल की जान से मिलाते हैं संतोष भाई से। संतोष भाई, ये अपने संतोष भाई है, ये हॉस्टल में आपको कितना साल हो गया यहाँ पे? सर एक्चुअली मेरा तो अभी यहाँ पे मोस्टली वन ईयर हुआ है। वन ईयर हुआ है, अच्छा। वैसे इसकी वाइब अलग है ना, मैं बहुत हॉस्टल में रुका हूँ यार दोस्तों, लेकिन इसकी वाइब अलग है हमेशा ना, मतलब ऑलमोस्ट फुल रहता है राइट, कभी देखा नहीं कि खाली भी होगा। ऑलमोस्ट फुल रहती है, हम लोग ऑफ सीजन में भी फुली चलता है, जो कि यहाँ पे वाइब भी अलग ही है। गुड वाइब्स लोग आते हैं, सब सही मेरे को पूछे आप लोग मेरे को जाने। तो संतोष भाई देखो, हैट्स ऑफ टू संतोष भाई। और दूसरी बात ये कि भाई मेक श्योर कि कोई भी ट्रैवलर यहाँ से वैसे नहीं जाएगा क्योंकि परेशान होगा, तो ये लोग मैट्रेसेस वगैरह प्रोवाइड करके उनको सुला देते हैं। मतलब अगर कल को हम लोग कुछ ऐसा करेंगे तो हम आपको सबसे पहले बुलाएंगे। हाँ तो भैया किसी को भी आना हो यहाँ पे हॉस्टल में, तो भाई अट्रैक्शन एक हॉस्टल है, एक अपने संतोष भाई है। अब यहाँ पे पियेंगे चाय और फिर बढ़ेंगे चिरापुंजी की तरफ, ठीक है संतोष भाई? चलो तो फिर चलते हैं, निकलते हैं हम हॉस्टल से अपनी यादों के पिटारे को पैक करके एक नई मंजिल की तरफ। ऑन अवे टू चिरापुंजी नाउ, बाय बाय हॉस्टल। एक टायर पंचर हो रखा है इसका, सिर्फ एक और बाकी सारे बाहर हैं। बाकी में स्पेसर लगा के बाहर है भाई, ऐसा लग रहा है तो। बढ़िया बढ़िया लगवाएगा नया भाई। जिप लाइन के बोर्ड देखे थे तो लगा एक्साइटिंग होगा चिरापुंजी का रास्ता, लेकिन ये क्या है, अल्ट्रा एक्साइटिंग। पता करते हैं, चलते हैं यहाँ पे आगे ना, आगे दिखा रहा है 11 मिनट का रास्ता, पता करते हैं भाई चिरापुंजी तो फिर भी पहुंच जाएंगे। आ गया भाई इसको देख के हमारे ना, बिल्कुल। गाड़ी यार सही तो लग रही है, मतलब थोड़ी सी गंदी है, इसको धुलवाते हैं। गंदी है भाई, काफी गंदी है, साफ करवाएंगे। लगती भाई फुल ऑफ रोडर है, फुल पावर तो है, ऑफ रोडर है पूरी प्रॉपर। रेडी नहीं है मेरे ख्याल से, बन रही है अभी, ऐसा कुछ है क्या? पता करते हैं। भाई चालू नहीं किया अभी तक। अच्छा कितना टाइम लगेगा इसमें? नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली, सो इट विल बी इनॉग्रेटेड आफ्टर अ वीक। डू यू नो व्हाट वुड बी द चार्जेस फॉर दिस? अबाउट 3,500 पर पर्सन। ओके, यू आर डिसाइडिंग ऑन दैट राइट? इट विल आइदर बी वन ऑफ देम। ऑन दिस वेबसाइट? या यू कैन चेक हियर, फाइन एडवेंचर टूर्स। परफेक्ट, थैंक्स मैन, वेलकम। हाउ लॉन्ग यू हियर फॉर? वी आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया, वी आर शूटिंग अ व्लॉग आउट ऑफ इट, सो आई डोंट नो, वी आर गोइंग टू चिरापुंजी नाउ। Let's see for 3-4 days more maybe. Yeah. If you come in next time, let us know, then we'll sort out. Something. Perfect man, I'll drop you a Instagram post on this. Yeah. Thanks man. Welcome. तो भाई inauguration से पहले डालिए अपन यहाँ पे, एक हफ्ते बाद खुलेगा ये भाई, लेकिन crazy valley है, 350 feet के आसपास बता रहा है, और वो valley देखना कितनी ही तो beautiful लग रही है, वो देख क्या मतलब मस्त scenario है, यहाँ से कूदने में ना ऐसा मतलब आत्मा ही तो तृप्त सी हो जाएगी भाई, क्रेजी। एक वीक ब्रो, क्या यार। चलो फिर आएंगे भाई, इस बार दीवांशु को भी लेकर आएंगे। हाँ सॉर्टेड, ये तो करना बनता है भाई, बिल्कुल तीनों भाई करेंगे।
कालिका फॉल्स में आपका स्वागत है। आगे की तरफ जाके 4 किलोमीटर के बाद मिल जाएगा भाई। लग तो गजब का ही रहा है यहाँ से व्यू तो। नुकालिका फॉल्स कुछ तो होगा बढ़िया। बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है लेकिन ब्यूटीफुल वॉटरफॉल है। बट ट्रेजिक भी है भाई। टोल सा बना रखा है। एंट्री फीस है भाई नुकालिका फॉल्स की 50 रुपए पर अडल्ट। दो लोग कितना दूर है यहाँ से? पैसे ला रहा देखा मैंने 500 का नोट दिया। सनसेट भी गजब का दिखेगा आज। यस फिर से यही है शायद जो देख रहे हैं ना। यही है पार्किंग और यहीं से देखने का है। बहुत सारे लोग लगे हैं भाई दीदे पहाड़ने अपने। चलो क्या देख रहे हैं हम भी देखते हैं। पार्किंग ला देते हैं वीरे। What you guys looking at? भाई इस पे लिखी हुई है नुकालिकाए की पूरी स्टोरी और यहाँ पर है नुकालिकाए फॉल्स। और आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। देखते हैं भाई हम भी खुद भी और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है। काफी लोग आए हुए हैं भाई यहाँ पे ना और सनसेट भी होने वाला है। ओ रहा भाई ओहो वहां से कूदी थी बेचारी। ब्लर होगी। हाँ अब ठीक है भाई। वो रहा भाई डैम बहुत गहरा भाई। सनसेट एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। जी भाई तो एक चीज इमेजिन करना। हाँ आपकी एक शादी टूट चुकी है बट देन आपकी एक शादी से आपको बच्चा है और आपकी दूसरी शादी हो रखी है। ठीक है आपको छोटी सी बेबी गर्ल हो रखी है एक। तो आप रोज काम पे जाते हो घर पे जाते हो उससे मिलते हो खेलते हो बढ़िया एकदम खुशी भरा प्यार भरा परिवार है आपका। बिल्कुल। एक दिन आप घर पर जाते हो और आपकी बीवी आउट ऑफ जेलेसी आपके बेबी को मार देती है उसको पका देती है उसका फ्लैश मील बना देती है और आपको परोस देती है। जब आप पूछते हो कि वो कहाँ है तो कहती है बार बार गई होगी आप पहले खाना खा लो और फिर उसको ढूंढने चलेंगे। आप खाना खाते खाते पाते हो कि आपकी प्लेट के अंदर या फिर आसपास बचे हुए मतलब खाने में आपको एक उंगली का पीस मिलता है और क्या मतलब क्या आपके रिएक्शन होंगे आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए मतलब आदमी क्या ही कर सकता है। और आपकी बीवी कह रही है आई लव यू सो मच सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन नहीं देते थे इसलिए मैंने ऐसा कुछ कर दिया। आपकी बीवी आपको ये कह रही है सो कैनिबलिज्म इज नॉट अलाउड और खासकर मेरी खुद की बच्ची अगर है मतलब जॉन विक कुत्ते के लिए जो कालिकाए लेडी थी उनके हस्बैंड ने उनके साथ यही सेम सिनेरियो करा। उनकी सेकेंड मैरिज थी उनकी बच्ची को उन्होंने मार के खिला दिया। कालिकाए को पता चला खाने में उंगली उंगली देखी और वो गए फ्लिप भाई ऑब्वियसली मतलब माइंड हम होते तो हो गया उनका माइंड मतलब यार एग्जैक्टली हो ही जाएगा भाई मतलब बाप से भी ऊपर रोल होता है माँ का तो माँ मतलब बच्चा खा गई तो उसका तो दिमाग खराब होना ही था। कितना तो फीट वो बड़ा है 1125 फीट है उसके टॉप से कूद के उसने अपनी जान दे दी भाई साहब। उसकी स्टोरी की वजह से नुकालिकाए फॉल्स इसका नाम रखा गया है। कितनी ऐसे मतलब कितना सुंदर दिख रहा है पर लेकिन स्टोरी इसकी कितनी भयानक सी है। बिल्कुल अभी पानी का प्रेशर कम है क्योंकि ऑब्वियसली मॉनसून नहीं है लेकिन है। बहुत बढ़िया है यार अभी भी मतलब इसकी कामनेस को देखो। भी ड्रोन होता तो उड़ाते भाई यहाँ पे। हाँ यार मजा तो आता। कोई बात नहीं हो सनसेट मिस कर रहे हैं भाई अपन। चलो सनसेट एंजॉय करते हैं भाई। यहाँ से चलते हैं होटल की तरफ चेरापूंजी मेन टाउन। लेट्स गो। Oh, 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 oh
यहाँ पे विशिंग वेल है, तो भाई कह रहा कुछ विशिंग मांग के देखें। बताने का नहीं क्या मांगा। तो भाई नई लोकेशन पे आए थे, यहाँ तो बिल्कुल ही वीराना सा हो रखा है। लाइट जला के देखिए भाई, ओ ये घर है, पूरा घर है भाई किसी का, लेकिन यहाँ ये घर हमें मिल जाता रात के, देख लेते हैं भाई अगर हमें हमें रात के लिए मिलता तो क्यों नहीं। फाइनली पहुंच चुके हैं होम स्टे पे, सिंडी होम स्टे करके है, और बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर लोग हैं। 2000 का रूम दे रहे थे, हमने बात बात करी एक बारी में बोलते के साथ ही, हम ट्राई कर रहे थे बस वैसे ही 1500 का कर दिया भाई। बालकनी है, रूम है, वाईफाई है, टेरेस है, पार्किंग है और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। एग्जैक्टली, और क्या चाहिए भाई। तो मात्र 1500 रुपये में हम आज का दिन कर रहे हैं बढ़िया खत्म। वाह। तो गाइस आपने इस ब्लॉग में देखा कि हम लोग ट्रैवल करा और हम यहाँ पर आए चेरापूंजी, नुकालिकाए फॉल देखा हम लोगों ने। ये अपना रूम है भाई आज का, बढ़िया क्यूट सा ऐसे छोटा सा होम स्टे बनार का है। सही। दो बेड है भाई, बड़े बड़े, वॉशरूम भी सही है, सॉर्टेड है मतलब। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने एक नहीं दो नहीं बहुत सारे होम स्टेज, रिजॉर्ट और ये सारी चीज़ें देखी। कोई समझ में नहीं आया भाई, बहुत जगह पर रूम्स अवेलेबल नहीं थे, वीकेंड हो चुका है तो लोग आ चुके हैं चिल करने आसपास। भाई लंगड़ा रहे हैं क्योंकि भाई उनमें से एक की सीढ़ियों से नीचे गिर गए। यार बड़ी ना बड़े अजीब सी चोट लगी है, घुटना मुड़ गया यार। खैर तो जो भी है, प्रे करो भाई का गेट वेल सून करने का होने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। खाना वाना खाएंगे, दिन को करते यहीं पे खत्म। मजा आ रहा है भाई बहुत ज्यादा। मेघालय इज लाइक अल्टीमेट प्लेस, अगर लगी ना होती तो मजा ही आ रहा होता था। बहुत बढ़िया फॉल्स देखे, लेक्स देखी और देखेंगे बहुत सारी चीजें। इस व्लॉग को करते यहीं पे खत्म, हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। हम है रूसे राही, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बाय। यस, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।